यार कभी तुमने सोचा है कैसा माइनक्राफ्ट जिसमें हम माइन ही ना कर पाए? तो यार बिल्कुल, आज की वीडियो में मैं ना माइनक्राफ्ट खेलने वाला हूँ जिसमें हम माइन ही नहीं कर सकते। एक्चुअली पता है क्या, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 लेयर होंगी डर्ट की और उसके नीचे सीधा आ जाएगी बेडरॉक। और यार जो हमारा ये ओवर वर्ल्ड है वो भी पूरा की पूरा एम्प्टी रहने वाला है, दूर दूर तक हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही लकी रहे तो हाँ हमें कुछ विलेजेस देखने को मिल सकते हैं। तो यार आज मैं ऐसे ही माइनक्राफ्ट में 100 डेज सर्वाइव करूंगा एंड ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है बिकॉज हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में बनाना है एक स्मॉल एंड ब्यूटीफुल हाउस, एक फुल नीदराइट आर्मर विद सम एन्चेंटमेंट्स एंड एट द एंड हमें विदर को डिफीट करके बनाना है एक एमरल्ड का बीकन। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई बहुत ही ज्यादा टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में एंड आपको ना बस एक सेकंड लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना सबके सब। सो दैट्स ऑल यार, अब तुम एंजॉय करो वीडियो को। तो यार मैं जैसे ही गेम में एंटर हुआ तो मेरी यार आंखें खुली की खुली रह गई बिकॉज यार पूरे वर्ल्ड में एक भी पेड़ नहीं था, पूरा सुनसान पड़ा था ये बिकॉज हम स्पॉन हुए थे वाई लेवल 4 पे। तो यार मेरे आजू बाजू सिर्फ स्लाइम्स ही स्लाइम्स थी और पता नहीं यार इन स्लाइम्स को देख के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मेरे चारों ओर एल्पेनलीबे की जस्ट जेली कूद रही है। और ये जो स्लाइम्स थी ना दिखने में जितनी मतलब मासूम लग रही थी ना उतनी थी नहीं भाई। मैं इनके पास गया थोड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ाने, लेकिन भाई इन्होंने तो मेरा हाथ ही तोड़ दिया। भाई स्लाइम से पिटने के बाद ना हम थोड़ा इधर उधर भटके एंड हाँ फाइनली हमें एक उम्मीद की किरण दिखी और वो किरण कुछ और नहीं एक पूरा की पूरा विलेज ही था। और भाई फिर क्या था, हमने वही किया जो हर एक माइनक्राफ्ट खेलने वाला करता है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ना, तुम सही समझ रहे हो कि हमने विलेज को लूटा, लेकिन यार थोड़ी सी ना तमीज में, क्योंकि यार यही वो विलेज था ना जो आगे जाके हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहता। एंड फाइनली हमने विलेज में बहुत सारी लूट की। फिर विलेज को लूटने के बाद ना हमको बहुत सारी लकड़ी मिली, थोड़ी सी स्टोन्स मिली और थोड़ी सी ओक सैपलिंग्स मिली। तो हमने ना थोड़े से अपने लिए टूल्स बनाए और यार पता है बहुत सारी फेंसेस बनाए। यार अब तुम कहोगे कि भाई फेंसेस क्यों बनाई तूने, क्या तुम पागल है, तेरे में दिमाग की कमी, कौन बनाता है फेंसेस? तो भाई रुको जरा, भाई यार फेंसेस बनानी ना बहुत ही ज्यादा जरूरी थी बिकॉज ये स्लाइम्स ना मेरा जीना हराम कर रही थी। तो यार उन फेंसेस से ना मैंने अपने लिए बहुत सारा एरिया घेर लिया एंड यार ओक सैपलिंग्स को हमने ग्रो करने के लिए लगा दिया बिकॉज यार अपना घर भी तो बनाना है। तो यार सैपलिंग्स लगाते लगाते ना मुझे थोड़ी सी भूख सी लगी, तो मैंने सोचा यार क्यों ना फार्मिंग करी जाए। तो हाँ मैंने यार एक हो बनाई और हो से पूरा की पूरा खेत जोत दिया, बट फिर मुझे याद आया कि यार मेरे पास तो सीड्स ही नहीं है। एंड यार तभी मुझे याद आया कि भाई इस विलेज में थोड़े से फार्मर्स भी हैं। तो भाइयों और बहनों मैंने मेरे देश के वीर किसानों का गेहूं चुरा लिया। यार चोरी चकारी करके मैं आ ही रहा था कि मैंने इतने में क्या देखा, हमारे विलेज का आयरन मैन भाई भांगड़ा कर रहा था स्लाइम्स के साथ। मतलब मुझे जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत है भाई हमारा आयरन मैन उसी के साथ भंगड़ा कर रहा था। यार मेरे से ना बिल्कुल भी नहीं देखा गया और मैंने अपने आयरन मैन को ना मृत्यु दंड दे दिया। बट शायद से मैं गलत था बिकॉज वो लड़ रहा था स्लाइम्स के साथ। तो यार कोई नहीं, अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। एंड आफ्टर ऑल दिस शिट भाई हमने फाइनली अपने फार्मिंग का काम शुरू किया एंड नाउ हमारी सैपलिंग्स भी ग्रो हो गई थी। तो यार अब हम अपना फाइनली घर बना सकते थे। तो यार हमने सारे पेड़ों को काटा और यार फाइनली अपने घर बनाने का काम शुरू कर दिया। तो यार अब हमारा घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था एंड यार देखने में भी काफी अच्छा लग रहा था। वैसे सच बताऊं यार ये घर कम ना बाबा रामदेव का आश्रम ज्यादा लग रहा था। एंड यार ये मैं अपने फार्म के आलू गाजर खा के ना परेशान हो गया था। तो यार मुझे अब कुछ ऐसा सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए था जिससे मेरी हेल्थ बहुत ही ज्यादा जल्दी बढ़े।
सो यार आई केम अप विद द आइडिया कि क्यों ना सुअर फार्मिंग करी जाए। और यार ये जो मेरा नसीब है ना बिल्कुल ना तारक मेहता के पोपटलाल जैसा हो गया था। यार पूरे दो दिन घूमा मैं इस वर्ल्ड में सुअर की तलाश में और यार दोनों दिन मेरा पोपट कटा। और यार दिमाग तो जब ज्यादा खराब हुआ कि भाई अगले दिन ही सुअर मेरे दरवाजे पे खड़ा था। भाई अगर यही सुअर दो दिन पहले आ जाता तो क्या इसकी मौसी भाग जाती क्या? चलो यार जाने दो, कम से कम आया तो सही, बिकॉज यार हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा लेट आया था। तो यार मैं आज से इसे बुलाने वाला था। एंड यार ये एक अकेला क्या ही कर लेता, तो भाई इसके लिए पार्टनर ढूंढना भी जरूरी है। एंड लकीली भाई एक दिन में ही मिल गया हमें इसका पार्टनर, मतलब वो लड़का है लड़की भाई ये तो भगवान जाने, बट हाँ वो सुअर है। एंड यार ये वाला सुअर कुछ ज्यादा ही छोटा था, तो आज से हम इसे बुलाएंगे टट्टू। तो भाई हम जैसे ही टट्टू को लेके आए अपने घर में, तो यार लट्टू के मुंह पे एक अलग ही ग्लो था। कसम से इतना ग्लो तो किसी लड़की का फेयर एंड लवली लगाने के बाद भी नहीं आता। सो नाउ इट वाज द टाइम कि लट्टू और टट्टू कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। यार मैंने उन्हें थोड़ी सी गाजर खिलाई एंड फाइनली मेरी घर आई एक नन्नी परी। यार अब हमारा घर बन चुका था, हमारे पास फार्म्स थे और यार हमारे पास एक छोटा सा सुअर फार्म भी था। लेकिन अब हमें करना था सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, वो था विलेजर्स को ब्रीड करवा के उनसे ट्रेडिंग करना। एज यू नो कि हम इस वर्ल्ड में यार बिल्कुल भी माइन नहीं कर सकते और यार ओवर वर्ल्ड में तो कोई रिसोर्सेज थे ही नहीं, तो यार हम रिसोर्सेज के लिए टोटली डिपेंडेंट थे विलेजर्स पर। सो नाउ इट वाज द टाइम हम एक छोटा सा अंडरग्राउंड ट्रेडिंग हॉल बनाए अपने विलेजर्स के लिए। एंड यार हमारे बैकयार्ड में बहुत सारे ट्रीज ग्रो हो गए थे, तो मैंने यार सबको काट के बहुत सारी वुड्स इकट्ठा कर ली। एंड फाइनली हमने काम शुरू कर दिया अपने ट्रेडिंग हॉल का। सो आवर ट्रेडिंग हॉल वॉज नाउ रेडी। यार मैं कसम से बताऊं ये मुझे बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा ट्रेडिंग हॉल लगा। एंड यार कमेंट्स में बताना तुम्हें ये ट्रेडिंग हॉल कैसा लगा। तो भैया ट्रेडिंग हॉल तो हो गया था रेडी, लेकिन यार बहुत ही ज्यादा सूना सूना सा लग रहा था। तो अब हमें कुछ विलेजर चाहिए थे ब्रीडिंग करवाने के लिए। यार सारे विलेजर ना काम में लगे हुए थे, लेकिन भाई एक विलेजर भाई बहुत देर से टाइम पास कर रहा था, तो हमने उसे किडनैप करके अपनी बोट में बैठाया और तुरंत ट्रेडिंग हॉल में लेके आ गए। बट आई डोंट नो व्हाई यार वो बहुत ही ज्यादा सैड था। भाई सेट तो हो गई, उसे बीच बाजार में किडनैप कराया मैंने। भाई वो इतना ज्यादा नाराज था कि मैं उसे जब जॉब दे रहा था तो यार हिल ही नहीं रहा बिल्कुल भी, एक जगह खड़ा हो गया पुतले की तरह। तो भाई मैंने उसे ना धक्के मार मार के जॉब दिलाई और हाँ मेरी मेहनत ना रंग लाई। भाई बंदे ने सीधा ना शार्पनेस 4 दे दी फर्स्ट टाइम में। तो यार जैसे हमारा लट्टू हमारे टट्टू के बिना अधूरा है, तो यार इस विलेजर को भी तो एक पार्टनर चाहिए। तो यार फिर से मैं एक विलेजर को किडनैप करके ले आया और यार इस वाले विलेजर के तो मतलब नखड़े बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे थे, ये तो मेरी तरफ देख तक नहीं रहा था। इज्जत ही नहीं है यार समाज में अपनी तो। और भाई मैं जल्दी से गया अपने आलू के खेत में और बहुत सारे आलू मैंने इकट्ठा कर लिए, क्योंकि भाई ये जो विलेजर है ना सिर्फ आलू से ही चालू होते हैं। तो यार मैंने ना इन्हें कम से कम 5-6 स्टैक आलू के खिलाए और यार फिर भी ना ही इस संसार में करण आया ना ही अर्जुन, आई तो आई सिर्फ निराशा। भाई मैं भी ना टस से मस नहीं हुआ, मैंने और 6 स्टैक आलू के खिलाए एंड फाइनली हमारे छोटे से परिवार में आया भाई माइटी राजू के आने से थोड़ा सा ना आत्मविश्वास मेरे अंदर जागा और मैंने 8 दिन तक भाई लगातार विलेजर्स को ब्रीड करवाया और उन्हें जॉब्स दी। यार अपने पास ना विलेजर्स तो बहुत सारे हो गए थे, लेकिन यार एक दिक्कत आ रही थी मुझे, यार ज्यादा से ज्यादा विलेजर्स को लाइब्रेरियन बनाना था और उसके लिए लैंटर्न की पड़ रही थी कमी। तो तुम्हें पता है यार लैंटर्न बनती है बुक्स से एंड बुक्स की बहुत ज्यादा कमी थी हमारे पास, तो हमें बनाना पड़ा एक तबेला। तो यार अब हमें 2 गाय चाहिए थी ब्रीड करवाने के लिए और यार इस बार ना मैं गाय को ढूंढने श्री राम का नाम लेके गया और भाई प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मुझे कुछ ही मिनटों में भाई गाय मिल गई। तो भाई ये गाय हमें मिली थी राम जी की कृपा से, तो हमने इसका नाम रख दिया सबकी प्यारी राम दुलारी। एंड थोड़ी देर और घूमने से
हमें हमारी राम दुलारी के सपनों का राजा सांडेश्वर भी मिल गया। एंड यार मैंने दोनों गाय को वीट खिलाया और फिर से मेरी घर आई एक नन्नी परी। और यार कुछ ही दिनों में हमने हमारा सुअर फार्म और तबेला बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर लिया। तो फिर क्या, मैं अपने तबेले में गया, गेट लगाया और भाई ये बात ना तुम अपने और मेरे बीच ही रखना, वरना बेफालतू में ना जेल हो जाएगी मुझे। अब हमारे पास हो गई थी बहुत सारी बुक्स, उससे हमने बनाई बहुत सारी लैंटर्न और दो ब्लास्ट फर्नेस एंड ग्राइंडस्टोन। ब्लास्ट फर्नेस और ग्राइंडस्टोन बनाने की हमारी इंटेंशन ये थी, बिकॉज यार आर्मरर को एक्सपर्ट बनाने के बाद हमें वो डायमंड आर्मर देता, और जो गोल्डस्मिथ विलेजर होता है उसे एक्सपर्ट करने के बाद वो हमें डायमंड के इक्विपमेंट्स देता है। बिकॉज यार इस वर्ल्ड में माइन करना तो पॉसिबल ही नहीं था, तो यार यही एकमात्र रास्ता था अपना फुल डायमंड आर्मर बनाने का। यार सारे विलेजर्स को जॉब मिल चुकी थी और अपना ट्रेडिंग हॉल पूरा रेडी था, अब हमें करनी थी बहुत सारी ट्रेड। तो यार ट्रेडिंग के लिए मैंने एक बहुत ज्यादा बड़ा कैरेट फार्म बनाया। एंड यार इस फार्म से आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पूरी एक चेस्ट भर के कैरेट्स मिली, और ये ना मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली थी ट्रेडिंग में। तो यार इन्हीं गाजरों से हमने बहुत सारी ट्रेडिंग करी, और यार ये रही उसकी छोटी सी क्लिप। ट्रेड करने के बाद यार मैंने सबसे पहला जो काम कराना वो अपने बो को मैक्स करा। यार मैंने विलेजर से ट्रेड करके इन्फिनिटी और फ्लेम ली और अपने धनुष पर लगा दी। यार ये धनुष अब इतना ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया था ना, तो मैंने सोचा यार इसका नाम कुछ अलग रखते हैं। तो यार मैंने इसका नाम रखा इंद्रधनुष। तो यार इसको ना एंचेंट करने के बाद मैंने भाई इसकी शक्तियों को चेक करा, कहीं ये चाइना का माल तो नहीं है। सो मैंने अपना इंद्रधनुष ना सीधा लट्टू और टट्टू परिवार पे चलाया, और हाँ भाई बहुत ही ज्यादा सही चल रहा था ये धनुष। फिर यार हमने और कैरेट फार्मिंग करी और बहुत सारी ट्रेडिंग करी। एंड यार अब जो हमारा टूल्स मिलता वो हमें दे रहा था डायमंड की सोर्ड। एंड यार ये पहली चीज थी जो इस वर्ल्ड में हमारे पास डायमंड की आने वाली थी। तो यार मैंने उसे जल्दी से परचेज करा और उसका नाम रख दिया फर्स्ट लव। तो यार मैंने अपने फर्स्ट लव को एंचेंट करा। भाई मैं कैसे उल्टे सीधे नाम रखता हूँ यार। एंड यार फाइनली वो दिन आ ही गया, हमारा आर्मरर भाई अब हमें डायमंड का पूरा आर्मर दे रहा था। तो यार मैंने ना पहली फुर्सत में भाई एमरल्ड इकट्ठा करी और जल्दी से ट्रेड करा उससे अपना डायमंड का आर्मर। तो भाई इट वॉज डे 57, हमें भाई 57 डेज लग गए एक पूरा डायमंड का आर्मर बनाने में। यार ये जो खुशी थी ना मैं अकेले नहीं मतलब एंजॉय करने वाला था, मैं पूरे गांव के साथ एंजॉय करने वाला था। तो मैं अपनी छत पे चढ़ गया और भाई वहां पर मैंने अपना पूरा डायमंड का सेट पहना, और भाई अगर ये विलेज ही नहीं होता ना तो यार घंटा मुझे डायमंड का आर्मर मिलता कभी पूरा। सो नाउ इट वाज द टाइम कि हम नीदर में जाएं और भाई साहब एंशिएंट डेब्री कलेक्ट करें। अरे हाँ भाई हाँ मुझे पता है उसको एंशिएंट डेब्रीज कहते हैं, बट यार मुझे कसम से माफ कर दो, मुझे ना डेब्री शब्द बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मैं पूरी वीडियो में डेब्री डेब्री बोलूंगा। तो यार अब हमें बनाना था एक नीदर पोर्टल, बट क्वेश्चन ये अराइज होता है यार हम माइन तो
कर नहीं सकते, लावा नहीं होगा तो यार ऑब्सीडियन कहां से लाएंगे। तो हाँ यार एक सॉल्यूशन था मेरे पास कि हम विलेजेस को जाके लूटे और यार उधर जो वेपन स्मिथ होता है उससे हमने बहुत सारा लावा चुरा लिया। एंड यार विलेज में मुझे एक बहुत ही प्यारा सा हॉर्स भी मिला तो यार मैं उसे सीधा चुरा के अपने घर ले आया। लेकिन यार अभी भी एक दिक्कत थी, आपको पता होगा कि इस वर्ल्ड में माइन नहीं कर सकते तो यार मेरे पास डायमंड्स थे ही नहीं। एंड आपको पता है ऑब्सीडियन को तोड़ने के लिए आपको चाहिए एक डायमंड पिकेक्स। तो अब जो मैं पोर्टल बनाऊंगा ना वो विदाउट डायमंड पिकेक्स होगा एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और यार अब हम जिस टेक्निक से नीदर पोर्टल बनाने वाले थे आई गेस शायद ही आपने कहीं देखा होगा। अगर यार तुम्हें उस तरीके से नीदर पोर्टल बनाना है तो तुम्हें चाहिएगा थोड़े से कोबल स्टोन, 16 और मोर लावा बकेट्स और एक वाटर बकेट। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग आवर नीदर पोर्टल। तो यार मैंने सबसे पहले 4 कोबल स्टोन प्लेस करे और उसको 5 लेवल की हाइट तक बढ़ाया। तो यार मैंने अब इस फ्रेम पे चढ़ के 4 बकेट पानी के डाले, हर ब्लॉक पे अलग वाटर बकेट। ऐसा करने से एक फाउंटेन सा क्रिएट हो गया। नाउ अब हमें करना तो सबसे इंटरेस्टिंग काम। यार आपको पता होगा कि हम लावा को जब पानी में डालते हैं तो वो ऑब्सीडियन में टर्न हो जाता है, तो हम इसी तरह से अपना नीदर पोर्टल क्रिएट करेंगे। यार अब हमें लावा को पानी में कुछ इस तरह से डालना था कि वो एक नीदर पोर्टल की शेप ले ले। और यार उसकी छोटी सी क्लिप ये रही। बन चुका था, बस यार उसको ऑन करना था। लेकिन यार फिर एक दिक्कत अराइज हो गई कि यार हमारे पास फ्लिंट एंड स्टील ही नहीं था और यार पॉसिबल भी नहीं था बिकॉज पूरे वर्ल्ड में डर्ट ही डर्ट थी और कुछ था नहीं, तो यार कहां से फ्लिंट एंड स्टील आता। एंड यार मैंने फिर यूट्यूब पे एक ट्यूटोरियल देखा जिसमें उस बंदे ने लावा के ऊपर वुड रखकर फायर क्रिएट करी और यार पोर्टल रेडी हो गया। पहले तो मुझे लगा भाई ये फेक है, बट यार इट वर्क्ड। तो यार अब हमारा नीदर पोर्टल हो चुका था रेडी और मैंने ना इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके और अच्छा बना दिया। नाउ इट वॉज द टाइम कि हम अपने डायमंड आर्मर को अपग्रेड कर दे फुल नीदराइट में। और हाँ यार अपने फर्स्ट लव को कैसे भूल सकते हैं, उसे भी भाई अपग्रेड करेंगे नीदराइट में। तो यार आपको पता है कि एंशिएंट डबरी को ढूंढने के लिए यार सबसे ज्यादा जरूरी होता है TNT, बिकॉज यार TNT यूज करके ना हमें बहुत ही जल्दी मिल जाती है डबरी। भाई यार मुझे अच्छा लगता है डबरी बोलना। तो यार मैंने सोचा क्यों ना एक क्रीपर फार्म बनाया जाए गन पाउडर के लिए। एंड यार फार्म को अच्छी लुक देने के लिए मैं मटेरियल कलेक्ट करने के लिए गया नीदर में। लेकिन रुको यार, पहले नीदर जाने से पहले वो जो घोड़ा पकड़ा था उसको कम से कम यार नाम तो दे दे, डिस्पॉन हो जाएगा, तो हमने इसका नाम रखा बादल। एंड यार ये सब टाइम पास करने के बाद फाइनली मैं नीदर गया। क्रीपर फार्म के लिए हमने बहुत सारा नीदर एग कलेक्ट करा और हाँ फिर हम अपनी राह से भटक गए और ढूंढने लग गए नीदर बेस्टियन। और यार भगवान की कृपा से, नहीं यार भगवान नहीं, आई डोंट थिंक सो कि नीदर में भगवान होता है, यार शैतान की कृपा से हमें मिल गया एक नीदर बेस्टियन। बेस्टियन में ना बहुत ज्यादा पिगलिंग्स थे और मैं पागल डायमंड आर्मर की चौड़ में भाई उन पिगलिंग्स से लड़ने चला गया। भाई कसम से बहुत गंदा मारा, मैं मरने ही वाला था। वो तो पता नहीं मैंने कौन से कर्म करे थे पिछले जन्म में जो मैं जिंदा बच गया। लिटरली एक हार्ट पे जिंदा था बस मैं। भाई ये डायमंड आर्मर कहीं विलेजरों ने नकली चांदनी चौक का मुझे तो नहीं चिपका दिया, बट चलो कोई नहीं। अब यार हमारे पास सारा सामान आ गया था क्रीपर फार्म बनाने का, सो लेट्स बिगिन। एंड यार आपने नोटिस करा होगा जो मैंने क्रीपर फार्म में जमीन से बहुत ऊपर बनाया, ऐसा मैंने क्यों करा, बिकॉज यू नो कि माइन मैं कर नहीं सकता हूँ इस वर्ल्ड में, AFK स्पॉट मुझे जमीन से ऊपर ही बनाना पड़ा। एंड यार हमारा जो क्रीपर फार्म था ना बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव था, बहुत ही अच्छा चल रहा था। एंड यार इतनी मेहनत करने के बाद भी ना हमारे पास सिर्फ 1.5 स्टैक ऑफ TNT हो पाए, बिकॉज यार तुम्हें पता है TNT को बनाने के लिए सिर्फ गन पाउडर नहीं सैंड भी चाहिए होती है, और यार मेरे पास सैंड बहुत ही ज्यादा कम थी, वो भी मैंने वेंडरिंग ट्रेडर से ली थी। बट जी कोई ना, अपना काम चल जाएगा। अब हम चलते हैं सीधा नीदर में और चलिए ढूंढते हैं प्राचीन डबरी। मैंने कहा ना मैं डबरी ही बोलूंगा। भाई नीदर में जाके हमने पूरी तबाही तबाही मचा दी और फिर भी हमें 3 डबरी मिले।
यार 30 समथिंग टीएनटी फोड़े मैंने, फिर भी 3 डबरी मिली, मतलब ये क्या हिसाब है। एंड यार फिर हमने सारे टीएनटी प्लांट कर दिए और भाई नीदर को पूरा तबाह कर दिया। और हाँ हमें 20 डेब्रीज मिली, नहीं नहीं डबरी भाई, डेब्रीज तो कहने नहीं है, सॉरी जबान फिसल गई मेरी। नाउ इट वॉज द टाइम कि हम अपने डायमंड आर्मर को नीदराइट में पूरा कन्वर्ट कर दें। और यार मैं जल्दी से गया अपने ओवर वर्ल्ड में और यार डबरी को मैंने पिघलाने के लिए लगा दिया। और यार तुमने एक चीज नोटिस करी भाई, डबरी जो होती है अगर वो लावा में गिर जाती है तो यार उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही चीज अगर हम फर्नेस में लगाते हैं तो वाह भाई वाह, नीदराइट के बिस्किट बन जाते हैं। बट कोई नहीं, मेरा ध्यान तो सिर्फ जो डबरी पिघल रही थी ना उस पे था। भाई जैसे जैसे डबरी पिघल रही थी मेरा दिल भी पिघल रहा था, कसम से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था कब मैं अपने डायमंड आर्मर को अपग्रेड करूं। तो फाइनली इंतजार खत्म हुआ, हमारी डबरी बन चुकी थी नीदराइट के बिस्किट। और यार अब वो समय आ चुका था कि हम अपने असली रूप में सुपर सैयन 3 में आ जाएं। तो मैंने जल्दी से अपना डायमंड आर्मर कन्वर्ट कर लिया फुल नीदराइट में। देख रहे हो चमक अब इस शरीर पे भाई, नीदराइट का आर्मर पहन के तो कसम से बता रहा हूँ बिल्कुल भगवान वाली फीलिंग आती है। बट यार इस भगवान को ना 89 डेज लग गए नीदराइट आर्मर बनाने में। और यार मेरे फर्स्ट लव को देखो क्या ही चमक रही है भाई नीदराइट में। और यार अब हम ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए थे तो यार ये बिल्कुल राइट टाइम था विदर से फाइट लेने के लिए। बट यार हमारे पास विदर स्कल्स ही नहीं थे तो हम सीधा नीदर गए और वहां पर हमने बहुत सारी फोर्ट्रेस लूटी। तो उसकी छोटी सी क्लिप ये रही। और हाँ भाई हाँ हमें बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन एक चीज हमें फ्री में मिली जिसका नाम था निराशा। मतलब इतनी देर तक स्केलेटन्स के साथ फाइट करने पे हमें सिर्फ एक ही स्कल मिला। नहीं यार ठीक है भाई पहले तुम कर लो ये सब, बट यार कोई नहीं दोबारा ट्राई करेंगे। फिर फाइनली बहुत सारी फाइट करने के बाद हमें 3 स्कल्स मिले। और हाँ यार ओवर वर्ल्ड में जाते जाते हमने वो आत्मा वाली मिट्टी भी ले ली। अरे अंग्रेजो सोल सैंड ली थी, ज्यादा ना दिमाग पे लोड मत लो, अटैक आ जाएगा। नाउ इट वाज द टाइम कि हम विदर को स्पॉन करें और उससे वो कीमती सितारा चुरा ले। तो मैंने नींबू मिर्च रख के बहुत सारे टोटके करे एंड फाइनली वो परेशान आत्मा स्पॉन हो गई। और अब शुरू हुआ इस दुनिया का सबसे घमासान युद्ध। यार मैं कभी कभार कुछ ज्यादा नहीं कह देता, बट कोई नहीं लेट्स फाइट। फाइनली भाई हमने इस परेशान आत्मा का कर दिया दी एंड। और यार हमें मिल गया हमारा वो चमकीला सितारा दी निदर स्टार। भाई स्टार देख के ना इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी बिकॉज अब एक ही चीज रह रही थी अपना बीकन बनाना, वो भी एमरल्ड का। तो हमारे पास यार एमरल्ड ब्लॉक ज्यादा नहीं थे तो हमने लगाया एक देसी जुगाड़। यार मैंने ना एमरल्ड ब्लॉक्स ना बाहर बाहर से लगा दिया और अंदर ना सिर्फ आयरन भर दिया। एंड यार हमारा एमरल्ड का बीकन रेडी हो गया था डे 98 को। बट ये जो आयरन वाला मैंने जुगाड़ लगाया है ना, तो यार तुम ना किसी को बता मत देना, तो यार समाज में बेइज्जती हो जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा मैं फिर। और ये डे 98 एंड 100 में भाई मैं और मेरा बादल पूरे वर्ल्ड में घूमे एंड यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट, बट एवरीथिंग इज सुपर फ्लैट। एंड यार थैंक्स अ लॉट वीडियो को देखने का, और जिसने भी पता है पूरी वीडियो देखी है भाई तुम्हें तो मैं घर पे आके स्पेशली एक अवार्ड दूंगा। एंड यार अगेन आई विल से इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो यार प्लीज जिसने भी एंड तक देखा है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर दबा देना। एंड यार मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में, एंड जब तक तुम फूको।